जी ते सालन तैयार थी ना बे मत सही हट तो बनो ओए के ही ओए निगाली मैं क्या कर सकता हूं कुछ क्या ही मैं निकाल सो खजपो इतनी एमटी पे मैं क्या कर सकता जी माशाल्लाह ते असा डिश आउट कीते से ते माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त प्यारी खुशबू है ते जबरदस्त कमाल पका रखे माशाल्लाह माशाल्लाह जी क्या ही बात है माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त हाँ जी माशाल्लाह यार जबरदस्त और जिंदा रहे मलिक ओला चस आ गई है और जिंदा रहे मलिक ओला चस आ गई है सही है हाँ चक दे पट्टे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हम मलिक ज़ैद हसन दे पियो मेरा यूट्यूब चैनल MS कुकिंग व्लॉग उम्मीद करे ना मेरे भरा सारे ठीक ते खैरियत नाल होसो आज तो पता लग गया उसे कि मैं क्या बड़े ना आज जुमेरा थे उस वीडियो मेरी सवेरे दे दे बैठे जुमा ने जाड़े क्योंकि मैं वीडियो एक जाड़े पहले बड़े ना बे जाड़े सटे ना यूट्यूब दोते ते आज अस बड़े ने पैसे बकरे का गोश्त ते कढ़ाई तैयार करने ने पैसे वाइट जुमेरात वाले जाड़े सारी जी कढ़ाई होती रही है बहुत ही स्पेशल होती रही है माशाल्लाह मज़ेदार ते टेस्टी खाना अस बड़े ने रहा जुमा ते जुमेरात बाकी जाड़े असं सब्जियां भी बने दे रहे तो इवें जिमें दिल करे कोई फरमाइश आवेदी है बिरा वी चावल लेनी तो वो भी तैयार कर देंगे से तो बहु ही आसान बढ़ती है वाइट कढ़ाई तुम दसेंदे से साढ़े तरीके दे नाल तुसा लाजमी ट्राई करे सो शुरू करें से कढ़ाई तो अज की वीडियो शुरू करने तो पहले साढ़े चैनल MS कुकिंग व्लॉग को तुसा सबसक्राइब कर गिनो मेरे जितने भी नवे व्यूअर हैं मेरी वीडियो तो तुसा दे दो ते मेरे चैनल को तुसा काम ही सब्सक्राइब करें थोड़े को रिक्वेस्ट है गुजारिश है कि मेरे चैनल को तुसा लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों नाल भी शेयर करो ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एडू असाड़ी चाह भी तैयार थी भी है ते एक लीटर पानी पाते से इन गोश्त ते एडू खड़े साढ़े मेरे काबे साहब ये चाह दे मास्टर हैं खैर है ठीक हो आओ तो चाह पिलाओ रोटी मिले ना मिले चाह मिल वे बस कोई चीज ना पियो चाह डोल कटी पेन बिलकुल बारीक कटे सलाह एक किलो गोश्त माशाल्लाह बिलकुल साफ प्यारा बढ़िया रखे ते छोटी बोटी बड़ी रखी है माशाल्लाह अज जड़ी कढ़ाई बड़े ने पैसे वाइट छोटी बोटी आली नाल इवें तुसा भी कट कर लेना है पीस बनाने रही है अजय ते माशाल्लाह जबरदस्त बढ़ती है सौ को दसेंदे से साढ़े तरीके नाल तुसा लाजमी ट्राई करे सो ते असें लाजमी दसे सो कि तुहा को असेरी वीडियो किवें लगती है ये मिसाल है जीरा तेजपत्ता दालचीनी लौंग बादियान दा फूल ते सौंफ हैं ये पानी तैयार है सीधा आधा लीटर पानी है ये सारे मिसाले पानी दे साढ़े सौ एक किलो गोश्त ये तुस पा दसो चम्मच मारना है मिक्स कर ते ढक्कन बंद कर देना ढक्कन बंद कर देना है ते पूरे पंद्रह मिनट के बाद वाला मिलने से जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एडू गोश्त तैयार थी ना पे तेडे कढ़ाई असा चाड़ गई जैसे तेल ये मिसाले तेजपत्ता बादियान दालचीनी त्रै चार कालिया मिर्चें चार लौंग सौंफ ते जीरा ते तेल साबे फ्राई करना तेल एक मिनट वास्ते एक मिनट तो बाद लसल साढ़े तीन से हल्के हल्के कटे हुए हैं देख लो बिल्कुल बारीक चाक से हुए हैं तो कटे तो
प्याज बिल्कुल लेनी लाल के निकलने गाल वन कलर थोड़ा चेंज किए इन्हें बस इन्हें कलर चेंज करने पड़ता है। जीत माशाल्लाह रसल बिल्कुल प्यार थे हल्के ब्राउन थे हूँ पैसों टमाटर पिसा या मिर्चा सैड को गोश्त भी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है रेडी है। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बढ़ गई है सारे चैनल पे लाजमी तो एक दफ़ा 100-150 ट्राई करे सो सारे चैनल को MS कुकिंग ब्लॉग को ज़्यादा तो ज़्यादा सब सब्सक्राइब करे सो तुसा दोस्तों की ग्रामीण की कमाल मेहरबानी से 2 मिनट के बाद वाला इन चेक करें। जी तो 2 मिनट के बाद मसाला टमाटर बिल्कुल जल गए तो यह अदरक लहसुन का पेस्ट ये पाना 2 चम्मच कर देना है 2 मिनट वास्ते मजीद इनको भुने सो बिल्कुल जड़े मिक्स थी वैसे मिसाला हवा लगी तो वाला इनको स्टेप बाय स्टेप तो समझे सो दे जी माशाल्लाह तो बिल्कुल मसाला रेडी है असा देख गिनो मिसाला माशाल्लाह बिल्कुल तेल है जड़ा सेटिंग तो नजर आता पे उसे बिल्कुल छोड़े मिसाला बिल्कुल तैयार है ये गोश्त है ये उबले रखे थे हूँ असा गोश्त ऐड करें किसी क्योंकि विराह जो गोश्त तैयार करें तो आखने जायका सही नहीं आता पाया टेस्ट ही नहीं आता वो जेडे तरीके अस पकने पैसे तुसा जिस टाइम मिसाला तैयार की वे तो गोश्त को ऐड करे सो ना अच्छे तरीके भुने सो ताकि जी गोश्त की स्मैल है अस मिसाले पाता से जो उबाले तो उन्हें नाल भी गोश्त की स्मैल बिल्कुल खत्म थी वे बड़ी प्यारी खुशबू आती है पानी के बिचों भी असा पानी गोश्त उबाल तो पानी सैड से कर गिरे से तो पानी भी ऐड करे उबाल ग्रेवी वास्ते तो जिस दिन तुसा इनको मिसाले के गोश्त को ऐड करे सो ना तो बहुत ही चंगे तरीके अच्छे तरीके फ्राई करे सो भुने सो गोश्त तुसा को दिखे तू असा कि असर केड़े तरीके भुनेगा पे या साढ़े तरीके से तुसा लास्ट भी ट्राई करे सो एक दफा इंशाल्लाह बहुत मजा आता तुसा जी मिसाले के जी तरीके गोश्त भुने भुने ना इतने ही कंजूसी कह नहीं कर रही बिल्कुल जबरदस्त भुनना तो आपको दिखे नहीं कि गोश्त केड़े तरीके भुने जी और फ्राई करें बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बढ़ते माशाल्लाह एक दफा लाजमी ट्राई करे सो ये देखो माशाल्लाह गोश्त तो मिक्स थी गए हूँ तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम दो तैयार करना है तो जबरदस्त ही पकसे माशाल्लाह अज यानी मजीद अस फ्राई करे सो तो मजीद भुने सो माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल रेडी है तकरीबन अस 7 to 8 मिनट बिल्कुल फ्राई किए से घेव सेटिंग एक दिन छोड़ दीते तो माशाल्लाह जबरदस्त प्यार कर माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बड़ी प्यारी खुशबू होनी है हूँ अस इन मिसाले ऐड करेंगे वैसे ये सारा अपना बढ़िया हुआ स्पेशल मिसाला एक चम्मच ऐड करना है यह साड़ा कोरमा मिसाला है एक चम्मच ये पाना है ऐड कर देना अच्छे तरीके के नाल मिक्स करना है 2 मिनट गोला भुने सुने मिसाले में तो यह
असा पानी थोड़ा ऐड कर पे पानी वो ये जडन जैसे अस गोश्त उबालिया से थोड़ा जो पानी ऐड कर मिक्स करना है इन नाल ये कि पानी ऐड ही वास्ते कि तले जरा मसाला अपन सकते से वो अलग से कहना तो इन्हें बिच बहु अच्छा इन जायका है गोश्त उबालिया से ना तो इन नाल ही फ्राई करे सको अपन हम दो मिनट वास्ते वाले को ढक बंद कर देना है जी तो वीडियो माशाल्लाह साड़ी हती सही आती है के ही ओ मैं क्या करा सचमो इतनी डाडी हम दी पे अल्लाह ते बंदे कले ही बड़ी कर आदी ना ना मन ओए अल्लाह दे रे हाली दे रे यार मजा आया पे यार मैं छोड़ा बस मैं थोड़ी देर कर सब कर के ही भला इको खशमो पाक मैं ने ना आवे पक्का ना दे यार ना ना खशमो पाक ना आवे मैं भला छोड़ देना तू बाहर रह भाई ना ना ही ना कर सने सर पूरे मोहल्ले च यार सदेसों दे बोला था सही चार पांच बंदे बारू बैठे ने ओके तो खुशबू आंदी पे क्या मैं कई करो केने मसाले सब करे क्यों आवाम को खराब की थी ओदा एक तो बना सकदे देख बड़े ने यार ना सही ना मैं बस कम दा में बुढ़े बस ये मेरे का हाली दू मैं बुढ़े यार मैं बुढ़े पास देख खाली दे रे ई मैं ना करा आज ही को दादा बंदा खुशबू को तो रोक वाला दरवाजा बंद कर करा मैं वेदा दरवाजा बंद कर चलो ठीक है मैं दरवाजा बंद कर ये शुरू है जी तो ये दही मिक्स करनी हो दही तुसा सारी साढ़ दसो क्योंकि वाइट कढ़ाई बढ़ती है ना एक दही अलमराई वाली गेंद से साढ़ दसो वाल करना है को मिक्स मज़ेदार बढ़ती है ना खुदा की कसम है मैं उतो खड़ा त्या जल्दी पड़ा हां सबर नहीं सबर बस सबर नहीं ना ना सबर करो अभी तमाम कारकुनान से कहता हूँ इस कढ़ाई के अंदर ये करीम डाल रहा है साहब अच्छा जी एक पूरा किश्ता गेंद पा दिसो इन्हें माशाल्लाह कमाल टेस्ट बढ़ने जबरदस्त करीम देख माशाल्लाह आइसक्रीम ये ना आइसक्रीम हल्का हल्का चम्मच मारना है मिक्स करना है मिक्स करते ढक्कन बंद करते खड़ा रहना है जब तक तेल है जड़ा बाहर सेटिंग नु नाम से वो तक इनको पकाना है तेल तो 2 मिनट के बाद वाला अंदर पे से तो आप चेक कर लो जी माशाल्लाह कढ़ाई बिल्कुल रेडी है ये मिर्चा थोड़ा सटने एंड दे उते लेकिन माशाल्लाह तुसा बड़ा ही प्यारा कलर ते बड़ी प्यारी खुशबू की कड़ी है माशाल्लाह ये तुसा पा रहे होने धनिया इन ते धनिया दे बाद तुसा इन ते अदरक ऐड कर देसो बिल्कुल 1 मिनट 2 मिनट वास्ते इनको बिल्कुल स्लो दे उते मीडियम बिल्कुल दम वाली तह दे उते इनको खड़ा देना है ये डेगी ना तुसा सिर्फ 2 मिनट वास्ते टू मिनट के बाद डिश आउट करे नो वाला तो आपको दिखें से जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रोटी असा खा गई से माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्यारा सालन बड़े ते इथे ही करें वीडियो दा एंड करें नु उम्मीद करें नु के असाडी आज दी वीडियो तो आपको अच्छी लगी हो से अगर असाडी वीडियो अच्छी लगी होए तो असाडे चैनल एमएस कुकिंग व्लॉग को लाजम जरूर सब्सक्राइब करे सो अपने भिरावे नाल शेयर करे सो ते प्यारे प्यारे मीठे मीठे कमेंट्स दे सो अस्सलाम वालेकुम।